देख बाबू, हम लोग जो बनाने जा रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर 20 है, जिसका नाम है एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान से देखिए इसका मतलब। जैसे अगर हम बोलेंगे इसको एक ट्रायंगल है, इसका एरिया कितना होगा? अगर आप इसका बेस जानते हैं कि बेस 10 है, आप इसका हाइट जानते हैं कि हाइट 8 है, तो भैया इसका बेस होगा हाफ इंटू बेस। सही है। अगर आपको बेस नहीं पता है कितना लेंथ है, हाइट नहीं पता है कितना हाइट है, इंस्टीड ऑफ दिस अगर हम ये पॉइंट जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये पॉइंट जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये पॉइंट जिसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, अगर हमको तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पता है तो भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसी चैप्टर में हम लोग को इसके बारे में पढ़ाई करना है। समझ में आया थोड़ा सा क्या बोले कि अगर हम इसको ग्राफ खोले, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एक ग्राफ खोले है ना, ग्राफ में ध्यान से अगर देखेगा कि अगर हम यहाँ पे कोई तीन पॉइंट प्लॉट कर दें, देखो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा, अगर तुम ध्यान से देख रहा होगा, 1 2 3 4 और ऊपर में 2, तो ये 4,2 है। एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट चले, वाई एक्सिस पे 2 यूनिट चले। अगर हम यहाँ पे आए सपोज, चल यहाँ तो ये क्या होगा आपको, 1 2 3, 1 2 3, तो एक्स में भी नेगेटिव चले, वाई में पॉजिटिव, तो ये होगा -3,3। और अगर यहाँ पे आप आइएगा तो क्या होगा, देख लो आपको, 1 2 3 4, 4 से हम 10 तक गए, तो ये हो गया 4,2। तो इंस्टीड ऑफ बेस का लेंथ और हाइट, अगर आपको ये जो ट्राइंगल बना है इसका अगर आप तीनों वर्टेक्स भी जानते हैं तो भी ये रीजन का एरिया निकाला जा सकता है। समझ में आया क्या? यही हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ाई करना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलो बात समझ में। अब इसका बस एक फॉर्मूला बताएंगे, कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कुछ मेहनत है नहीं, एक तो फॉर्मूला बताएंगे सारा समझ बन जाएगा। फॉर्मूला जब याद करने जाएगा तो तेरे को देख के लगेगा कि बहुत मेहनत वाला फॉर्मूला याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली याद करेगा तो बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला है क्या, ध्यान से देखना कि अगर कोई ट्राइंगल का तीन वर्टेक्स आपको दिया है, फॉर्मूला एकदम ध्यान से देखना, ये इसको हम बोल रहे हैं x1 y1, इसको हम बोल रहे हैं x2 y2, इसको हम बोल रहे हैं x3 y3। आप इसका आराम से एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखो, ये लिख दिए, इसको बोल दिए x1 y1, x1 y1, x2 y2, x3 y3, हाफ लिखेंगे, हो गया, फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, हाफ लिखेंगे, उसके बाद मॉड डालेंगे। मॉड किस लिए डालते हैं हम लोग, मॉड का काम है कोई भी चीज मॉड के अंदर रहता है उसको मॉड्यूलस बोलते हैं, 11 में जाएगा तो पड़ेगा। इसके अंदर कोई भी चीज लिखा रहेगा तो उसका काम है, अगर नेगेटिव लिखा रहा है चाहे पॉजिटिव लिखा रहा है, वो रिटर्न पॉजिटिव ही देता है। मतलब अगर -10 अंदर आ गया ना, इसका मतलब 10 ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 10, क्योंकि इसके अंदर से एरिया मिलने वाला है ना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर है ना? इसका काम हम लोग सीख लेंगे जब पढ़ेंगे। तो कुछ मत कीजिए, हाफ लिखें, x1 यहां से पिक कीजिए, जहां से x1 पिक कीजिएगा वहां से y मत पिक कीजिए, y बाकी दोनों से पिक कीजिए, y2 माइनस y3, फिर प्लस दीजिए। अब यहां का x का काम हो गया, यहां से x पिक कीजिए, x2, जहां से x पिक कीजिएगा वहां से y मत लीजिए, y बाकी दो जगह से लीजिए, y3 माइनस। सही है, y3 माइनस। अब फिर यहां से x3 लीजिए, जहां से x लीजिएगा बस वहां से y मत लीजिए, तो ये क्या होगा, यहां से लिया ना x3, तो इसको छोड़ दीजिए, रास्ता में कौन पढ़ रहा है, रास्ता में पहले y2 आ रहा है, देखो बच्चा जैसा करता है ना, रास्ते में कौन पढ़ रहा है, दिखा रहा नहीं है, देखो तो x1 लिखे, तो फिर यहां से y नहीं लेंगे, y बाकी दोनों से लेंगे, तो x1 यहां पे लिख दिए, तो y2 माइनस y3, यहां से अब x अगर लेंगे तो फिर हो जाएगा y3 माइनस, फिर यहां से x लेंगे
वाई वन माइनस वाई टू, बस हो गया खत्म। चलिए इसका एरिया निकाल दीजिए लोग। ये लिखा हुआ है ना, एक तो ट्राइंगल है, अभी हम इसका ऊपर डिस्क्रिप्शन भी देंगे, फॉर्मूला आया कहाँ से है, कैसे आया है बताएंगे। देखिए तो अगर एक तो दिया हुआ है 2, -2, चलिए भैया ये 2, -2 है। दूसरा पॉइंट दिया 4, -2, सही है। और तीसरा पॉइंट दिया है -1, तो किसको x1y1 बोले, किसको x2y2, किसको x3y3। इसका आंसर एकदम सीधा है, सिंपल सा, किसी को भी, किसी को भी। बस याद का रखना, जहां से आप x लीजिएगा वहां से y मत लीजिएगा। तो चलिए हाफ लिखे, मॉड डाले, यहां से चालू कर रहे हैं, यहां से x लिखे 2, तो फिर y वहां से ले लेंगे, यहां से लेंगे तो क्या होगा 2 -3, सही है, वहां का काम खत्म। यहां से लीजिए 4, तो यहां से लीजिएगा तो फिर ये दोनों को लिखना पड़ेगा, तो 3 - 2, दो बार माइनस समझ में आया क्या हुआ, क्योंकि आपको -2 सब्ट्रैक्ट करना है, वो खुद भी नेगेटिव है, तो दो बार हो गया, इसीलिए तो ये क्या हो गया 4, 3 - प्लस। यहां से x का बारी अब आया, तो यहां से x कितना है माइनस, और यहां से अगर आप x लीजिएगा तो फिर आप y यहां से नहीं लीजिएगा, y यहां से लीजिएगा, तो -2 क्या हो गई, -2। अरे भैया सीधा है, बीच में आपको सब्ट्रैक्शन लगाना है, अगर पीछे वाला नेगेटिव हुआ तो ये घटने का जगह ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होने का जगह ऐड हो जाएगा, और अगर वो पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव का वो नेगेटिव ही रहेगा। तो कितना हो गया, हाफ लिखें, -1 × 2 यही का होगा 3 + 2, 5 × 2 = 20, यही कितना होगा -4 और -1 कितना हो जाएगा, सही है। तो कितना दे दिया आपको हाफ, 24, 24 से 2 चल गया, मॉड अब हटा दीजिए, क्योंकि मॉड का काम क्या है, मॉड का खाली काम है कि आप जो लिखे हैं स्क्वायर में, मॉड का काम क्या है, मॉड का काम है कि इसका अंदर अगर नेगेटिव भी माइनस आ जाता ना भाई, तो भी हम इसको पॉजिटिव ही लिखते हैं, तो भी हम इसको, क्योंकि मॉड का काम है नेगेटिव डेटा को पॉजिटिव करने का। अब यहाँ पे 3-4 तो बात आएगा और उसके बाद फॉर्मूला पे डिस्कशन। सबसे पहले भैया ये फॉर्मूला आया कहां से, तो बाबू ये जो फॉर्मूला आया क्लास 12 में एक चैप्टर है जिसका नाम है डिटरमिनेंट, अगर कभी मैथ पढ़ेगा क्लास 12 में तो फिर ये फॉर्मूला कहां से आया इसका डेरिवेशन समझ लेगा। अभी इसका डेरिवेशन ना ही तो मेरा कोई काम का है और ना ही तो इसको समझा के कोई फायदा है, समझा के अगर फायदा होता तो समझा देते, तो इसमें फायदा क्या है इसको याद करिए, याद करने में रटने का है नहीं, हाफ लिखिएगा, क्योंकि देख एरिया जब भी लिखा था ट्राइंगल का तो हाफ होता ही होता है। मॉड इसलिए डालते हैं क्योंकि नेगेटिव, अगर बाय चांस ये पूरा कैलकुलेशन यहां से लेके यहां तक अंदर का नेगेटिव आ गया तो एरिया तो नेगेटिव ना हो जाएगा, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या किए मॉड डाल दिए। मॉड का काम है मैग्नीट्यूड बताना, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब है ना, जब पढ़ेगा क्लास 11 में तो ये वाला क्लास 11 का टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको मॉडुलस को हम लोग का दूसरा नाम है, मॉडुलस का एक और वैल्यू उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि अंदर में चाहे नेगेटिव लिखा चाहे पॉजिटिव मेरा कोई मतलब नहीं, हम अंदर से सिर्फ वहां से वैल्यू लिखेंगे अंदर में, अगर +50 लिखा है -50 लिखा हमको मतलब नहीं, हमको सिर्फ 50 ही मिलेगा। बोलो बात समझ में आया, तो कहां से आया जान के कोई काम नहीं है, याद कैसे किया जाएगा वो काम का है। तो कैसे याद कर रहे, जहां से x लेंगे वहां से y नहीं लेंगे, y किससे लेंगे रास्ता में जो आगे दो जन पड़ेगा, तो x1 लिए तो y2 - y3, फिर x2 लिए तो y3 - y2, अगर x3 लेंगे तो y1 - y2, किसी को कोई तकलीफ जरा सा भी। और अगर भैया जो कोऑर्डिनेट आप ले रहे हैं वो अगर खुद ही नेगेटिव हो गया तो आपका वैल्यू जो नेगेटिव होना था वो एक्चुअली पॉजिटिव। चलो छापो, पहले फॉर्मूला लिखो ये वाला और फिर पहला क्वेश्चन लिखो, रुक जाओ बाबू, सेकंड क्वेश्चन ये वाला तुम खुद बनाएगा, ये हम बना रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन विद द वर्टिसेस गिवन बिलो, एक वर्टिक्स दे दिया, दूसरा दे दिया, तीसरा ओरिजिन मतलब 0, 0 ना, ओरिजिन मतलब 0, 0, एक दे दिया आपको 1, 2, एक दे दिया आपको 3, 0 और एक दे दिया आपको 0, 0, किसी को भी बोल दो कोई भी नाम, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं क्योंकि लिखने का फॉर्मेट हमको पता चल चुका, हाफ लिखेंगे मॉड डालेंगे, जहां से x लीजिएगा लीजिए, यहां से x अगर लीजिएगा तो y उसका दो बाद वाले से 0, 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
तो तीन मिलेगा, तीन लिखिएगा तो यहाँ से वाई मत लीजिए, इसका आगे जो दो देना है प्लस, फिर यहाँ से अब लीजिएगा जीरो,
तो फिर यहाँ से टू माइनस सही बात सही क्या हो गया हाफ वन इंटू जीरो जीरो ही हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस सिक्स सही बात और जीरो इंटू एनीथिंग इसीलिए मोड डालेंगे नेगेटिव आ गया ना एरिया कभी नेगेटिव होगा तो ये इसको क्या करेगा हाफ नेगेटिव को अंदर ही छोड़ देगा खाली छह लेगा इसके लिए कितना हो गया थ्री स्क्वायर यूनिट आप क्या लिख रहे हैं क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो ना स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर किलोमीटर तो कुछ दिया नहीं है तो क्या लिख रहे हैं स्क्वायर अब यहां से आया नया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अलग नहीं है कॉन्सेप्ट अलग है कि अगर कोई एक लाइन है और इसके ऊपर अगर तीन पॉइंट लाई करता है जैसे एक एक दो पांच भी इसी लाइन के ऊपर है कहीं चार पांच भी इसी लाइन के ऊपर है कहीं तो इस तरह का पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट को मतलब होता है सेम लीनियर मतलब लाइन तो अगर तीन या उससे ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन में लाई करेगा तो इन सारे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर क्या बोलते हैं को का मतलब सेम लीनियर मतलब लाइन तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर समझ में आ गया ना तो तुम सोच के देखो ना हमको तीन पॉइंट दिया है बोल रहा प्रूफ करके दिखाइए कि ये तीनों ना सेम लाइन के ऊपर लाई करता है कोलिनियर होगा है ना तो तुम सोच के देखना ये तुम कहां से कर देगा तुम्हारे पास दो ऑप्शन है एक तुम ग्राफ पेज लो उसमें ये तीनों पॉइंट प्लॉट करो और देखेगा जो लाइन तुम जोड़ेगा ना तीनों का तीनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर होगा वो एक तरीका है प्रूफ करने का लेकिन हम लोग वो थोड़ी पढ़ रहे कि वैसे प्रूफ कर देंगे तो दूसरा का तरीका है हम इसका एरिया निकाल देंगे हम इसका और अगर ये तीनों सेम लाइन का ऊपर होगा तो तीनों मिलकर ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं और अगर ट्राइंगल नहीं बनाएगा तो इसका एरिया जीरो ट्राइंगल अगर नहीं बनाई भी नहीं करेगा तो इसका एरिया और अगर एरिया जीरो हो गया मतलब आप जो तीन थो पॉइंट को ले रहे हैं वो तीनों अलग अलग जगह पे नहीं है तीनों का तीनों सेम सुनना दो अगर सेम लाइन पे होता और एक अगर थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे होता थोड़ा भी है ना तो ये ऐसा दिख रहा होता तो भैया ट्राइंगल तो बनता ही बनता और ट्राइंगल बनेगा तो एरिया भी लेकिन अगर तीनों का तीनों सेम लाइन पे होगा तो तीनों मिलके कोई भी ना तो ट्रायंगल बनाएगा ना ही तो कुछ उसका एरिया है तो कोलिनियर का भैया लिखो लाइन थ्री और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन थ्री और मोर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन थ्री और मोर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट हो गया तो चलो भैया इसमें फिर से देखो एक बार आ जाओ बोर्ड पे एक बार फिर से देखो आ जाओ बोर्ड पे रुक जाओ कि अगर मान लो ए बी सी तीन तो पॉइंट है ए बी सी देखो ध्यान से और हमको बोल रहे हैं तीनों को कोलिनियर प्रूफ करने हम क्या करेंगे झट से नहीं तीनों का एरिया निकाल देंगे हम इन तीनों का और दिखा देंगे एरिया जीरो है तो एरिया जीरो कब होगा जब तीनों का तीनों पॉइंट सेम लाइन पे होगा क्योंकि अगर दो ठो अगर सेम लाइन पे हो भी तीसरा अगर इस लाइन पे नहीं हो इसके अलावा कहीं पे भी होगा छोटा बने चाहे बड़ा बने ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा एरिया उसका होगा ही होगा एरिया सिर्फ कब नहीं होगा जब तीनों का तीनों सेम लाइन पे होगा मेरा बात समझ में आया तो हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालेंगे और दिखा देंगे एरिया जैसे एरिया जीरो हो जाएगा इससे पता चल जाएगा दे आर बोलो बात समझ में तो क्या कर रहे हैं एरिया निकाल रहे हो हाफ लिखे यहां से एक्स ले रहे हैं जहां से एक्स लेंगे वहां से वाई नहीं लेंगे तो यहां दोनों से लेंगे देखिए फोर अब यहां से लेंगे वाई सॉरी तो फिर यहां से नहीं लेंगे रास्ता में जो आगे पड़ेगा सही है अब यहां से वाई एक्स ले चुके अब यहां से एक्स लेंगे तो यहां से एक्स लेंगे तो यहां से फिर वाई नहीं लेंगे फिर वाई यहां से लेंगे तो इसका बाद रास्ता में कौन पड़ेगा ये दोनों क्या होगा माइनस टू माइनस मॉड वन हाफ लिखे थ्री इंटू थ्री प्लस ये दोनों मिलके तीन हो जाएगा ना आया माइनस पांच तो तीन इंटू माइनस पांच माइनस पंद्रह सही बात और यहां से कितना होगा माइनस छ माइनस वन प्लस सिक्स पक्का माइनस माइनस प्लस हाफ नौ नौ छ पंद्रह माइनस कैसे लिखेंगे फिर इसके बाद
सीज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सीज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग दिस पॉइंट्स इज जीरो, देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो जल्दी से पीछे वाला लिखेंगे, लिखो इसके बाद दो लाइन, सिंस अगर थोड़ा सा भी दिमाग रहेगा ध्यान से देखेगा, बोल रहा है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट दिस 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 लाई ऑन द ट्राइंगल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, उसमें और इसमें अंतर क्या है, उसमें और इसमें अंतर क्या है, बोल रहा है कि के का क्या वैल्यू होगा अगर ये तीनों लाइन सेम लाइन के ऊपर, मतलब पता है कोलिनियर प्रूफ नहीं करने दे रहा, कोलिनियर बोल दे रहा है, नहीं समझ में मेरा बात। तुमको पिछला क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, ये तीनों मिलके कोलिनियर होगा ये बात प्रूफ करो, यहाँ पे पता है ये बात प्रूफ नहीं करने बोला, कोलिनियर लोग खुद बोल दे रहा है, कोलिनियर लोग खुद बोल दे रहे, तो आपको एरिया जीरो निकालना नहीं पड़ेगा, आपको एरिया को जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखना फिर से एक एग्जांपल दे, दोनों में डिफरेंस समझना, हम बोल रहे प्रूफ दैट आई हैव 10 रुपीज, प्रूफ करके दिखाओ कि मेरा पास 10 रुपया, तो इसका प्रोसेस क्या होगा, तू आएगा कोई एक आदमी और मेरा पॉकेट में चेक करेगा, अगर 10 रुपया तेरे को दिखेगा तो तुम बोलेगा भैया इट इज प्रूफ कि यू हैव 10 रुपीज, और अगर मेरा पास 10 से कम या ज्यादा होगा तो तुम बोलेगा भैया इट इज नॉट प्रूफ कि आपका पास 10 रुपया है या नहीं। एक स्टेटमेंट प्रूफ दैट मेरे पास 10 रुपया है या नहीं, ये एक बात है, और दूसरा बात हम क्या बोल रहे हैं कि आई हैव 10 रुपीज, दोनों सेम बात है कि अलग बात है, अलग बात है। सेकेंड वाला में ना तुमको चेक का कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा लिख सकता है रघुवीर भैया हैज 10 रुपीज, इक्वल देके लिख सकता है कि रघुवीर भैया का पास 10 रुपया है। अब पहला वाला में क्या पता चेक करना पड़ेगा, पहला वाला में चेक करना, तो हम लोग का जो पीछे वाला क्वेश्चन है इसमें वो कोलिनियर है या नहीं है ना, ये हमको चेक करना पड़ेगा। और दूसरा वाला में ना कोलिनियर चेक नहीं करना है, कोलिनियर है ये वो लोग बोल दे रहा है, पता है आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया लिख के उसको जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, अंदर में जो मॉड है उसका अंदर में कुछ वैल्यू होगा जिसमें के अननोन होगा, हमको वो के अननोन का वैल्यू निकालना है। मेरा बात पूरा समझ में आया कि पूरा ऊपर से चेंज, तो प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और सेकेंड 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये दोनों दो अलग चीज है। अगर बोलेगा प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हम एरिया निकालेंगे, एरिया को दिखा देंगे कि वो जीरो है, प्रूफ हो जाएगा। और सेकेंड वाले काइंड में क्या होगा, एरिया आपको निकालना नहीं है, एरिया को लिखिए और उसको जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कीजिए, जीरो से इक्वेट करके सॉल्व कीजिए। बोलो बात समझ में आ गया पूरा, तो यहाँ पे कोलिनियर प्रूफ करने नहीं बोल रहा है, कोलिनियर है ये लोग बोल दे रहा है, बस कोलिनियर का जगह जो वर्ड यूज कर रहा है लाई ऑन द, मेरा बात पूरा क्लियर है। तो भैया चलिए तीन को पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट, एक दो तीन, कैसे एरिया लिखते हैं, हाफ यहां से एक्स लीजिएगा ले लीजिए तो बाकी दोनों से वाई, तो यहाँ पे माइनस वन माइनस ऑफ माइनस पक्का, आगे बढ़े तो यहां से दो लीजिएगा, तो यहां से दो लीजिएगा तो यहां से आपको लेना पड़ेगा माइनस वन, और यहां से आपको लेना पड़ेगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस सही है। अब यहां से के लीजिएगा, सही है, तब यहां से के लीजिए तो यहां से ले लीजिएगा माइनस वन, सही है, होल इज इक्वल टू जीरो। अभी डिफरेंस सबको क्लियर हुआ, यहां पे देख जीरो इक्वल नहीं लिखे थे, जीरो लाके और यहां पे डायरेक्ट जीरो से इक्वल कर, मतलब फिर मेरा समझ में आया कि सारा बात ऊपर चली गया। ब्रैकेट में खाली क्या लिखेंगे, सीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बोलो मेरा बात क्लियर है पूरा, पक्का सबको। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना, आंसर भी इसका बहुत मजेदार आने वाला है। प्लस वन माइनस वन जीरो, प्लस वन माइनस वन जीरो, तो जीरो इंटू दो जीरो, प्लस वन माइनस वन जीरो, जीरो इंटू के जीरो, सही है। तो इधर हाफ लिख दिए, लो भाई तो भैया जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, तो के कहां से निकालिएगा, के तो बचा ही नहीं है ना। तो याद रखेगा, ऐसा अगर होता सपोज कि यहां पे प्लस वन माइनस वन नहीं होता,
ये दोनों ऐसे कट के खत्म हो जाता और यहाँ सपोज के खाली बच जाता, क्या बच जाता के, या फिर यहाँ पे सपोज एंड में के माइनस वन बच जाता। तो मॉड को कैसे डील करते जब क्वेश्चन में आगे आएगा तो हम समझाएंगे। तो हम क्या करते हाफ लिखते, मॉड हटाते के माइनस वन लिखते, उसका लिए माइनस में भी हम लोग लिखते हैं मॉड, प्लस भी लिखते हैं, उसको भूल जाओ। मतलब मान ले कि अंदर में के माइनस वन आया होता, अगर अंदर में हाफ लिखे के माइनस वन से मॉड को हटाए तो क्या बचेगा भैया, टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो टू इक्वल टू टू इंटू जीरो जीरो के माइनस वन, के माइनस वन उसका वैल्यू कितना होगा जीरो, तो के इक्वल टू कहा जाता होगा, कहा जाता। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करके क्या मिलेगा, देख हाफ मॉड जब हटाते हैं हम लोग तो प्लस भी देते हैं माइनस भी देते हैं, तुम अभी प्लस माइनस को भूल जाओ, मतलब ऐसे करके मॉड को एलिमिनेट करते हैं। वो क्यों करते हैं नहीं करते क्वेश्चन में जब आएगा तो बताएंगे, अभी भूल जाओ, अभी बस जान ले कि इससे मॉड हटाएंगे तो सपोज ऐसा आया होता, सपोज है ना कि अंदर में सब जीरो नहीं हुआ होता, अंदर में सब कुछ कट कुट के खाली के माइनस वन बचता, हाफ लिखते के माइनस वन लिखते जीरो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो के इंटू जीरो इंटू तो k माइनस वन इज इक्वल टू तो k इक्वल टू का आ गया, तो यही मेरा आंसर हो जाता है क्योंकि हमसे क्या मांग रहा है, k का वैल्यू मांग रहा है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि कुछ बच ही नहीं रहा है, सबका सब जीरो ही हो जा रहा है। तो सबका सब अगर जीरो हो जाएगा तो आप वैल्यू का ची का निकालिएगा, ये तो हो जा रहा है जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये वाला केस में क्या होता है k का, यही आंसर है यही से, के का कुछ भी वैल्यू ले लीजिए कुछ भी, ये वाला रीजन सेटिस्फाइड हो गई होगा। मतलब इस केस में के का आंसर क्या होगा, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ के, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ के। तो फिर से लास्ट बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन खत्म हो रहा है, अगर अंदर में के माइनस वन बच गया होता तो दो को उधर मल्टीप्लाई कर देते तो के माइनस वन बचता, के माइनस वन इज इक्वल टू तो के इक्वल टू, वही मेरा आंसर होता। लेकिन अगर जो चीज आपको निकालना है क्वेश्चन में वही चीज नहीं बचा है, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए याद रखना कि आप k का कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो ये बात सेटिस्फाइड हो गई होगा, k का कोई भी वैल्यू देंगे तो ये बात सेटिस्फाइड। ऐसा कब हम लोग बोलेंगे, जब जिस अननोन का वैल्यू निकालना है इक्वेशन में वो अननोन ही ना बचे, क्लियर है ना। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ k, के का कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आप ये के का जगह पांच लिखते तो भी ये कोलिनियर होता, माइनस पांच लिखते तो भी कोलिनियर होता, दस लिखते तो भी कोलिनियर होता, माइनस दस लिखते तो भी कोलिनियर होता, पचास लिखते तो भी कोलिनियर होता, माइनस पचास लिखते, कुछ भी के का वैल्यू लिखते ये कोलिनियर। मतलब यहाँ पे मेरे को पता है के का केडो आंसर आएगा इन्फानाइट, केडो आएगा तो इन्फानाइट हम लोग लिखते नहीं, हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ के, फॉर बोल पूरा बात क्लियर हो गया कि अगर के वाला टर्म अंदर में रहता तब तो सॉल्व करके देख लेते क्या आएगा के, लेकिन अगर के बचेगा ही नहीं तो के का आंसर क्या होगा, फॉर एनी रियल वैल्यू।